नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर लेकर आए हैं। ईडी को लग सकता है सुप्रीम कोर्ट से फिर से झटका। सुप्रीम कोर्ट पहले ही चेतावनी देकर ईडी और सीबीआई को छोड़ चुका है, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार बड़ी मांग कर दी है। जी हां दोस्तों, ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने घटा दिया था और उन्हें अनुमति दी थी कि वह 31 जुलाई तक ही काम कर सकते हैं ईडी डायरेक्टर के तौर पर, लेकिन केंद्र सरकार को ये बात हजम नहीं हुई और अब केंद्र सरकार ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिलाने को सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दायर की है। दोस्तों बताते चलें, इस पूरे मामले पर सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ही काम करने की छूट दी थी। गौरतलब है, ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाए जाने का फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया था, वह पहले भी सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आया था और केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। देख सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल के आई है। बड़ा झटका फिर से लग सकता है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से। सीजीआई आज जारी कर सकते हैं बड़ा आदेश। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद।